वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र जूनागढ़ से प्रदीप मेहता का जय गुरुदात। दोस्तों, हमारा जीवन हमारे कर्मों से ही निर्मित होता है, यह बात बिल्कुल सत्य है। हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल भी पाते हैं और एक सुखी जीवन जीते हैं। लेकिन इस बात को भी बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि ग्रह और नक्षत्रों का परिवर्तन भी हमारे जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक असर डालता है, प्रभाव डालता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन करता है तो उसका बहुत गहरा प्रभाव सभी राशि जातकों पर पड़ता है। जल्द ही यानी 15 मार्च को भी शनि ग्रह शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही लाभकारी मेष राशि वालों के लिए साबित होगा। मेष राशि जातकों के लिए शनि का शतभिषा में प्रवेश बड़ा ही फायदेमंद रहने वाला है। आज मैं इस बारे में ही आपको विस्तार से बताने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ, तो इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको यह बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने कई बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की है और वह सारी 100% सच भी हुई है। जब सूर्य परिवर्तन हुआ था तब मैंने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि 14 जनवरी से पहले देश में रहस्यमय घटनाएं घटित होगी जो नुकसान की संभावनाओं को जन्म देगी। अभी आप देख ही रहे हैं उत्तराखंड के जोशीमठ में जो भयानक रहस्यमय घटनाएं हो रही है वह मेरी भविष्यवाणी को 100% सही साबित कर रही है। यकीन के लिए ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं। दोस्तों, आइए अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि मेष राशि के लिए शनि का शतभिषा नक्षत्र में जाना कितना बेनिफिशियल होगा। आप अगर मेष राशि के जातक हैं तो आपके करियर में इसका सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि शनि पहले ही आपकी कुंडली में 11वें घर में मौजूद है, जो लाभ का स्थान माना जाता है। यही स्थिति और भी लाभदायक बन जाएगी जब 15 मार्च को शनि शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर लेंगे। ऐसा होने पर आपकी नौकरी और बिजनेस में बहुत अच्छा समय शुरू हो जाएगा। आप अगर नौकरी पेशा है तो आपको खूब तरक्की अपने वर्क प्लेस में मिलेगी। आपको कोई नया और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट सौंपा जा सकता है जिससे आपकी ऑफिस में रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। हो सकता है कि आपको वर्क प्लेस पर टीम लीड करने का मौका भी मिल जाए जिससे आप भी अपने कार्य क्षमताओं को साबित कर पाएंगे। वहीं आप अगर बिजनेस करते हैं तो इसमें भी आपको 2 गुना फायदा होगा। आपको काफ़ी धन लाभ बिजनेस में हो सकता है। अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो इस काम में भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप कोई स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह समय ऐसा करने के लिए बिल्कुल अनुकूल है क्योंकि शनि इस समय आपको बहुत ही अधिक लाभ देंगे। कहने का मतलब यही है कि शनि का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश आपके लिए धन लाभ के कई योग बनाएगा, आपको कई सोर्स से पैसा देगा। खासकर अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करते हैं तो इसमें भी आपको बड़ा फायदा मिलेगा। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी डील्स आपकी फाइनल हो सकती है। आप अगर राजनीति में सक्रिय है तो शनि का शतभिषा नक्षत्र में परिवर्तन आपके लिए बड़ी सफलता के योग बना रहा है। आपको अपनी पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी या बड़ा पद मिल सकता है। इस तरह देखा जाए तो आप किसी भी क्षेत्र में जुड़े हो, आप वहां पर सफलता की सीढ़ियां आसानी से चढ़ जाएंगे और एक खुशहाल जीवन को जिएंगे। स्टूडेंट के लिए भी शनि का शतभिषा नक्षत्र में अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो वह आपके मन मुताबिक ही आएगा। इसके अलावा आपको मनचाहे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। हो सकता है कि आपको विदेश जाकर पढ़ने का अवसर भी मिले। हाँ, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो वह भी आपकी मार्च के बाद आसानी से लग जाएगी या लग सकती है। इसके बाद आप फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएंगे और अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर पाएंगे। एक तरफ तो शनि के शतभिषा नक्षत्र परिवर्तन से आपका करियर नौकरी का प्रण शानदार रहेगा, वही आपकी मेरे लाइफ फैमिली लाइफ में भी ढेर सारी खुशियां आएगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, आपके बीच के सारे शिकायतें दूर हो जाएगी और आपके दाम्पत्य जीवन में प्यार और भी गहरा हो जाएगा। इसके अलावा संतान सुख के भी योग
आपके लिए इस समय में बन रहे हैं। यह बात आपको और जीवन साथी को खुशी का अनोखा अनुभव कराएगी और संतान का सुख मिलने पर आपका रिश्ता ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आप अगर मेष राशि के उन जातकों में से है जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है तो आपके लिए भी सुखद समाचार है। शनि का सतभिषा नक्षत्र में आना आपके लिए भी बड़ा शुभ है। आपके लिए इस कारण विवाह की योग बनेंगे। घर परिवार में आपकी शादी की बात शुरू हो जाएगी या बात पक्की भी हो सकती है। हाँ, आप अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो वह मुमकिन हो पाएगा। आपके घर वाले आपके लव मैरिज के लिए आसानी से राजी हो जाएंगे। इसमें थोड़ा समय लग सकता है लेकिन साल के मध्य तक आते आते आप अपने लव पार्टनर को लव पार्टनर बना ही लेंगे और एक खुशहाल दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, जब आपकी लाइफ का हर फ्रंट शनि की कृपा से अच्छा रहने वाला है तो हेल्थ एंगल में भी कोई समस्या नहीं आने वाली। आपकी सेहत मार्च से लेकर अक्टूबर तक सहज बनी रहेगी। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं होगी लेकिन बहुत परेशानी नहीं करेगी। सिर्फ आपकी नहीं आपके परिवार के सदस्यों की सेहत भी आने वाले समय में ठीक रहेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने खान पान और व्यायाम को लेकर लापरवाही बरते। आपको अपनी सेहत का खान पान का पूरा ध्यान रखना है। इन बातों को विस्तार से जानने के अलावा आपको शनि की और कृपा पाने के लिए भी कुछ उपाय भी करने चाहिए और करने से आपको लाभ भी होता है। जैसे शनि मंदिर में हर शनिवार को जाए, शनिदेव के सामने दीपक जलाए, मन में उनका स्मरण करें, साथ ही गरीब लोगों को काले तिल और काले कपड़े दान करें, जरूरतमंदों की मदद करें। इन उपायों को करने से आपको लाभ जरूर होगा और शनि की कृपा दृष्टि आगे भी आपके ऊपर बनी रहेगी। इसके अलावा जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि हम सब की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। 34 के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफल बना देते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, तो वही दूसरी तरफ कई दुर्योग भी है जो किसी व्यक्ति को बहुत मेहनत के बाद भी सफल नहीं होने देते। इसीलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।